अरे हम हिंदू जिस दिन ठानेंगे है अपनी करके मानेंगे, हम हिंदू जिस दिन ठानेंगे हम अपनी करके मानेंगे। श्री राम नगरिया न्यारी है, अब मथुरा काशी की बारी है। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। नहीं तो पता चलता था कि हम लोग, अरे बाप रे बाप, वो गुंडा वो माफिया, भैया जाने दो उन लोग से दूर रहो। आज आज किस कोई गुंडा माफिया सब तेल लेने चले गए। और जितना लोग फायदा ले रहे हैं ना, उतना फायदा तो आज तक किसी सरकार में मिला ही नहीं था। जो आपकी बातें हैं ये बीजेपी के काम पर है, या फिर जैसा लोग कहते हैं कि बीजेपी की भक्ति में लोग बोल जाते हैं वो है? ये भक्ति पर नहीं है, इन्होंने जो दिखलाया है वो दिखाई दे रहा है। अभी तक तो हमको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इतना मतलब आदमी संतुष्ट हो गया है कि पार्टी तो अलग है, पार्टी को तो मान लीजिए जो आदमी है, लेकिन जो इनका काम दिखाई दे रहा है, रात बिरात दिन रात कहीं भी जाइए, रोड लाइट बत्ती जनता इतनी मतलब बेधड़क कहीं रात बिरात जाए कोई दिक्कत नहीं है। अंधभक्ति अगर है हमारी, अगर अंधभक्ति है हमारी, तो वो इस वजह से कि उन्होंने, मोदी जी ने ऐसा काम किया है कि मैं मजबूरन अंधभक्त बन सकता हूँ बशर्ते गुलाम बनने के। और वो उन्होंने वाकई में किया, देश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा स्थिति नहीं जहाँ पे उन्होंने काम न किया हो। अब गलत काम करेंगे तो उसका रिजल्ट तो भाई ये और, नहीं, और सरकारें जो थे ना, गलत काम करने पर उनको प्रोत्साहन मिलता था। आज के डेट में गलत काम करेंगे ये तो बहुत बुरा दंड झेलना पड़ेगा। महंगाई इस सरकार में बहुत है, आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं महंगाई है, आप देखेंगे कैलकुलेशन जब करेंगे, आज के 10 साल पहले का जो रुपया का वैल्यू था 100 रुपये सपोज करिए, तो उस समय 10 रुपये में हर कुछ मिल जाता था। आज वो 100 रुपया 10,000 रुपये के बराबर हो गया है, फिर भी वो 100 रुपये सामान जो 10 रुपये का है वो 20 से ज़्यादा नहीं हुआ है। महंगाई कहाँ है? आप अपना वो सैलरी पार्ट भी तो देखिए। तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के हम जनता के बीच में हैं और जनता की राय आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जनता से बात करते हैं और समझते हैं कि 2024 में, चूंकि हम इस वक्त अभी अनपरा क्षेत्र में हैं और यहां पर 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या सुगबुगाहट है, जनता की क्या राय है कि कौन सी पार्टी सत्ता में आने वाली है या कौन सी पार्टी बेदखल होने वाली है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतोष कुमार श्रीवास्तव है। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले तो मुझे कि 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है नज़दीक, तो अभी तक का जो पीएम मोदी का कार्यकाल रहा है पिछले लगभग 10 सालों का, उससे आप संतुष्ट हैं, खुश हैं मोदी के काम से? बिल्कुल संतुष्ट हैं, क्योंकि जो हमारा देश का वैश्विक स्तर जितना ऊंचा उठा है, शायद पिछले सालों में पिछले सरकारों में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो जिस तरह से योगी जी मोदी जी का जो नारा है सबका विकास सबका साथ, वो बिल्कुल धरातल पर हो रहा है, तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि ये आने वाले समय, तो क्या एक पंचवर्षीय नहीं, जब तक हम लोगों की लाइफ रहेगी तब तक हम लोग योगी और मोदी जी को ही देखेंगे। अच्छा, तो 24 में क्या मुद्दा लग रहा है आपको कि किस मुद्दे के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में आएगी, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, वो लगभग पूरा धारा 370 हटाने का काम हो, या फिर 3 तलाक के विरुद्ध कानून हो, ये सारे काम तो जो उन्होंने वादा किया था पूरा किया, और अभी किन मुद्दों पर वो मैदान में आ सकती है? अभी का मुद्दा जो उनका शासन कानून व्यवस्था है ना, जिसे यहाँ के लोग चाहे सभी प्रदेश के लोग अमन चैन की शांति से सो रहा है, तो ये सिर्फ भाजपा के सरकार से ही संभव था और वो दिखाई दे रहा है, तो इससे बड़ा और क्या शांति सुख मिलेगा? विपक्ष का कोई नेता जो मोदी जी को टक्कर दे सकता है? कोई नहीं है, कोई दूर दूर तक नहीं है, कोई दूर दूर तक कोई टक्कर नहीं दे रहा है। अगर टक्कर देने वाला होता तो संगठन के लिए 20 लोग मिल जाते, जबकि उनकी विचारधारा खुद अपने आप में उनको नहीं मिल पा रहा है, वो दूसरे विचारधारा से फिर भी मोदी जी को हराने के लिए लोग एकत्रित हुए हैं, ये संभव ही नहीं। यही धरातल का अस्तित्व यही है, इसी से साबित होता है कि कितने विपक्ष लोग कितना कमज़ोर है और कहाँ उनकी स्थिति है, तुलना ही नहीं की जा सकती। अच्छा, आपको भैया क्या लगता है, सबसे पहले तो नाम बताइए और ये बताइए कि क्या विपक्ष 2024 में एकजुट होकर मोदी को हरा सकता है? मेरा नाम राजेश कुमार सिंह है। विपक्ष नहीं, उन लोग के जितने घर द्वार सब लग जाएंगे तो नहीं हरा पाएंगे। मोदी जी इतने स्ट्रांग पोजीशन में काम कर चुके हैं
कि जनता के अगर मोदी जी घूमेंगे भी नहीं तब भी वोट देगी। अब मोदी जी को हराना विपक्ष के बस का नहीं है, विपक्ष बहुत दूर चला गया। और यूपी की बात है, योगी जी ने जितना क्राइम पर काम कर दिया है वो जनता पूर्ण रूप से योगी जी से खुश है। अच्छा, मतलब ये जो आपकी बातें हैं ये बीजेपी के काम पर है या फिर जैसा लोग कहते हैं कि बीजेपी की भक्ति में लोग बोल जाते हैं वो है? ये भक्ति पर नहीं है, इन्होंने जो दिखलाया है वो दिखाई दे रहा है। अभी तक तो हमको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इतना मतलब आदमी संतुष्ट हो गया है कि पार्टी तो अलग है, पार्टी को तो मान लीजिए जो आदमी है, लेकिन जो इनका काम दिखाई दे रहा है, रात बिरात दिन रात कहीं भी जाइए, रोड लाइट बत्ती जनता इतनी मतलब बेधड़ल, कहीं रात बिरात जाए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई तीन काम आप मोदी जी के बताइए जो उन्होंने अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल में पूरा किया हो और अच्छा हो, जो जनता के हित में रहा हो। देखिए, जनता के हित में तो पहले तो रोड आप पूरा देख लीजिए, एक लाइट बत्ती देख लीजिए, जनधन योजना देख लीजिए, सारा काम उनका काम तो हजारों है, कितना गिना पाएंगे? गिनाते गिनाते पूछते पूछते आप थक जाएंगे, कामें नहीं गिना पाएंगे कि इतना काम है। और जितना लोग फायदा ले रहे हैं ना, उतना फायदा तो आज तक किसी सरकार में मिला ही नहीं था। अच्छा, महंगाई के मुद्दे को लेकर के लोग बीजेपी का विरोध करते हैं या आवाज़ उठाते हैं कि महंगाई इस सरकार में बहुत है, आपकी क्या राय? बिल्कुल नहीं महंगाई है, आप देखेंगे कैलकुलेशन जब करेंगे, आज के 10 साल पहले का जो रुपया का वैल्यू था 100 रुपये सपोज करिए, तो उस समय 10 रुपये में हर कुछ मिल जाता था, आज वो 100 रुपया 10,000 रुपये के बराबर हो गया। फिर भी वो 100 रुपया सामान जो 10 रुपये का है वो 20 से ज़्यादा नहीं हुआ है, महंगाई कहाँ है? आप अपना वो सैलरी पार्ट भी तो देखिए, सैलरी पार्ट को आप देखेंगे जो कमा रहे हैं, जो 2700 रुपये में मैंने सर्विस स्टार्ट की थी उस दिन भी सुखी चैन से कार मेंटेन करते थे, आज 1,00,000 रुपया कमा रहे हैं फिर भी कार कोई बेरोजगारी है ही नहीं, कार चलाते हैं, पेट्रोल का दाम या डीजल का दाम परेशान करता नहीं। सर जी, इसके पीछे बैकल में जब जाएंगे तब आपको पता चलेगा, जो बर्डन पिछले सरकार ने डीजल पेट्रोल पर जो बॉन्ड साइन किया था कि इसका इंटरेस्ट जो है पिछला सरकार आके देगी, वो तो कई 1,000 करोड़ रुपये तो मोदी जी भरने में लगे हुए हैं, तो कभी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि महंगा है, बिल्कुल महंगाई हमारे हिसाब से तो बिल्कुल महंगाई नहीं है। चाचा, आप भी बताइए, क्या नाम है आपका? अनूप चंद्र बंसी। आपके हिसाब से मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है पिछले 10 सालों का और आपके क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसको देखते हुए, लहर की बात मैं नहीं करूँगा, आपके क्षेत्र के विकास की बात करूँगा, उसको देखते हुए आप मोदी जी के कामकाज से खुश हैं या नहीं? हमारे क्षेत्र में जितना विकास का कार्य हुआ है, गली गली में रोड, गली गली में लाइट, हम लोग अंधेरे में पहले रहते थे, अंधेरा था, आप 7 बजे के बाद हमारे क्षेत्र में जा नहीं सकते थे, रेलवे स्टेशन रोड पर मेरा घर था, समझे कि नहीं? अभी रात का कितना टाइम लगभग हो रहा होगा? 8 के आसपास हो रहा होगा। घड़ी है 8:30, 8:30 बज रहा है, ठीक है ना? आप वहाँ जाएंगे ना, एक सुई भी गिराएंगे तो आपको दिखलाई पड़ जाएगा, आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये विकास है। रोड का देखिए, और मतलब गली गली में RCC रोड है। और हम ये तो कहेंगे मोदी जी के आने से हमारा देश जितना मजबूत हुआ है वो किसी भी सरकार में नहीं था। आज बॉर्डर लाइन देख लीजिए, हमारे देश का जो बॉर्डर लाइन है वहाँ हर जगह रोड बन गए हैं, जहाँ पे हमारे मतलब ये सैनिक सुविधाएं, टैंक हुआ चाहे मतलब जो भी कुछ हुआ, वहाँ बॉर्डर पर हमारे पहुँचाने में अब दिक्कत नहीं है, वहाँ पहुँच रहे हैं लोग, आसानी से पहुंच रहे हैं, जो कि सीमाएं हमारी मतलब एकदम सुरक्षित है। अच्छा, विपक्षियों का या फिर जो अन्य पार्टियां हैं उनका ये कहना है कि बीजेपी के शासनकाल में भाईचारा पे कहीं ना कहीं प्रहार हुआ है और हिंदू मुस्लिम या अन्य जातियों के बीच में लड़ाई छिड़ गई है, ऐसा आप मानते हैं क्या? देखिए, हम इसमें भाईचारा पर कहीं से कोई कुठाराघात नहीं है, जो गलत काम करेगा तो उसका नतीजा भी उसी तरह से झेलना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तो आप गलत काम छोड़िए ना, आप विकास की धारा में प्रवेश करिए, आप सुखी रहेंगे। अब गलत काम करेंगे तो उसका रिजल्ट तो भाई ये और नहीं, और सरकारें जो थे ना, गलत काम करने पर उनको प्रोत्साहन मिलता था। अच्छा। आज के डेट में गलत काम करेंगे ये तो बहुत बुरा दंड झेलना पड़ेगा। अच्छा। जिसका रिजल्ट है कि आज देख लीजिए, मतलब हम लोग मतलब ये था कि हम लोग से बोली नहीं निकलता था, आज हम लोग
खुल करके बोल रहे हैं, खुल करके बोल रहे हैं, खुल करके हर बात को अपनी बात को रख रहे हैं। नहीं तो पता चलता था कि हम लोग, अरे बाप रे बाप, वो गुंडा वो माफिया, भैया जाने दो, उन लोग से दूर रहो। आज आज किस कोई गुंडा माफिया सब तेल लेने चले गए। अच्छा, आपसे आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कहा जाता है कि कुछ लोगों का आरोप है कि इस सरकार में बोलने की आज़ादी कम हुई है, लोग अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं, तो आपकी क्या राय है? कहाँ, सब कोई बोल पा रहा है, बिल्कुल। योगी जी का ही देन है कि जो शासन व्यवस्था जो इतनी टाइट किए हुए हैं सबकी सबके लिए, ऐसा नहीं कि हिंदू और मुस्लिम, अगर हिंदू गलती कर रहा है तो हिंदू को भी प्रताड़ित किया जा रहा है और मुस्लिम कर रहा तो मुस्लिम को भी किया जा रहा है। लेकिन जो प्रतिशत आप देखेंगे, लोग बोलते हैं ना कि मुस्लिम एक पक्ष को करके लोग प्रहार कर रहा है, तो उनका क्राइम भी तो देखिए, क्राइम का रेशियो उनको देखिए, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आज़ादी है और हर लोग कह रहा है। आप मोबाइल में क्या दिखाना चाह रहे थे? एक्चुअली मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं सनातनी होने के नाते एक हमारा यहाँ अनपरा में एक गौशाला है जो सेल्फ फंडिंग है, जिसमें कि घायल गाय को जितने इस क्षेत्र के अनपरा क्षेत्र का घायल गौवंश हैं उनको ले जाकर अपने गौशाला में सेवा करता हूँ। तो इसके लिए मैंने काफ़ी शासन प्रशासन जितने भी सम्मानित व्यक्ति सम्मानित प्रतिनिधि हैं सबसे रिक्वेस्ट किया कि ये सामाजिक काम है, इसको कम से कम हेल्प करिए, एक आदमी के बस का चीज़ नहीं है। तो लेकिन आज तक मुझे 4-5 सालों से मैं करते आ रहा हूँ और मुझे कहीं से शासन प्रशासन से जनप्रतिनिधि से ये तो योगी जी की सरकार है, योगी जी खुद गौ सुरक्षा की बात करते हैं और उन्हीं के शासन में अगर इस तरह की बातें निकल के आएंगी तो क्या कहेंगे? ये तो हमारे प्रतिनिधि की कमी है, उनके नॉलेज में है बट ये चीज़ वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं, तो उनकी कमी है, तो इसलिए बदलाव तो चाहिए चाहिए। अच्छा, यहाँ के सांसद कौन है जानते हैं? यहाँ के सांसद संजीव बोल रहे हैं ना, सांसद पकौड़ी लाल को। किस पार्टी से हैं? बीजेपी से। बीजेपी से हैं? कभी आते हैं यहाँ पे बीजेपी से? अपना दल से हैं? नहीं, 5 साल में दो बार आ जाते हैं। अपना दल से हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, बीजेपी और अपना दल के कम्बाइंड से बने हुए हैं। तो मिलते हैं कभी आके आप लोगों से बाजार में? कभी लोगों से नहीं मिलते हैं वो, कभी नहीं मिला उन्होंने। यही वजह है कि जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में जब गैप होता है तो कहीं ना कहीं लोगों की बात सरकार तक नहीं पहुँच पाती है। आपका क्या नाम है? मुन्ना चौबे। अच्छा, ये बताइए कि आपके हिसाब से इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो बीजेपी के कार्यकाल में सही हुई हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल सही तो हुई हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे सड़क हैं हमारे यहाँ से काशी मोड़ से हाथी नाला, ये अगर जब तक फोर लेन नहीं हो जाता, और हम लोगों के लिए चलने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही एक साधन है। गडकरी जी के राज में भी अगर फोर लेन हमारी इस तरह से है तो ये हमारे लिए तकलीफ की बात है, ये होना चाहिए था और बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये सड़क है। और मेरा आग्रह रहेगा आपके माध्यम से कि गडकरी जी या इसी रास्ते की बात कर रहे हैं? नहीं, ये रास्ता नहीं सर, ये मैं काशी मोड़ से हाथी नाला जो मेन सड़क है और यहाँ की ये लाइफ लाइन है, फोर लेन और उसके बाद हाथी नाला के बाद फोर लेन आपको पूरा मिल रहा है यहाँ शक्ति नगर। तो और इसको एक किलर रोड के नाम से इसे ऑलरेडी है, ये किलर रोड ऑलरेडी है और उसके बाद यहाँ फोर लेन है ना, अति आवश्यक है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि एक एक्सीडेंट अगर होता है ये पूरी रफ्तानी रुक जाती है, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, चाहे एग्जाम देना हो, चाहे हॉस्पिटल जाना हो, चाहे कुछ भी जाना हो, यहाँ के लोग ब्लॉक हो जाते हैं। अच्छा, तो बताइए जैसे बीजेपी के कार्यकाल में चाहे यमुना एक्सप्रेसवे हो या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, इतनी उपलब्धियाँ गिनाई जा रही हैं लेकिन जो क्षेत्र की समस्याएँ हैं आपके वो तो अभी तक समाप्त नहीं हो रही है। चाहे किलर रोड की आप बात कर रहे हैं, किलर रोड जस का तस अभी पड़ा हुआ है, तो इसको लेकर के कुछ मनमुटाव नहीं बीजेपी से? नहीं, ये मनमुटाव की वजह नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि या किसकी कमी कह लें, ये नहीं मानते, ये मनमुटाव वजह नहीं हो सकता। मैं बड़े स्पष्ट तौर से कह रहा हूँ, ये हमारी एक ज़रूरत है, ये ज़रूरत हम अपने सरकार से अपने लोगों से ही पूरी करवा सकते हैं और ये विश्वास है कि जो अगर ये होगा तो गडकरी जी के ही शासनकाल में होगा और मोदी जी के ही शासनकाल में होगा, और अन्यथा जैसे चल रहा है। यही नहीं है, इस सड़क पे बहुत ज़्यादा लोड है, चाहे कोयले का ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे बालू हो, चाहे गिट्टी हो, ये सब ट्रांसपोर्टेशन इतना ज़्यादा है कि यहाँ सड़क बहुत खतरनाक है। और सबसे बड़ी बात कि और कोई सुविधा नहीं है, रेल लाइन तो है लेकिन ट्रेनें नहीं हैं, ये सब समस्याओं की वजह से सड़क एक सबसे बड़ी ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, आप अभी आपने प्रश्न किया अंधभक्ति की वाली बात, अंधभक्ति अगर है हमारी
अगर अंधभक्ति है हमारी तो वो इस वजह से कि उन्होंने मोदी जी ने ऐसा काम किया है कि मैं मजबूरन अंधभक्त बन सकता हूँ बशर्ते गुलाम बनने के। और वो उन्होंने वाकई में किया, देश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा स्थिति नहीं जहाँ पे उन्होंने काम न किया हो। ऐसा उंगली दिखाना या उनके ऊपर उंगली उठाना ये इस समय संभव नहीं। पहले तो अपना नाम बताइए मुझे। मैं भजन गायक दिलीप लहरी। अरे वाह, भजन गाते हैं आप। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अनपरा के रहने वाले जी, तो कुछ आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं चुनाव पर, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के जी, तो कुछ गुनगुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? हमारे इस भारत का और खासकर यूपी का बहुत ही एक चर्चित भजन है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, ऊपर से नहीं है हम अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है हम अंदर से राम के हैं, अरे इसीलिए हम सब बंदे कमाल के हैं, बस इसीलिए हम सब बंदे कमाल के हैं। जो लोग बोलते हैं कि आपके यूपी में क्या है, मैं उनको दो लाइन ये गा करके जवाब देना चाहूँगा कि हैं राम हमारे यूपी में, हैं श्याम हमारे यूपी में, शिव की काशी है यूपी में, रहते सन्यासी यूपी में, ब्रज का पनघट है यूपी में, गंगा का तट है यूपी में, मोदी का खेला यूपी में, योगी का खेला यूपी में, मोदी का मेला यूपी में, योगी का खेला यूपी में, वेदों की बाणी यूपी में, झांसी की रानी यूपी में, है सभी सयाने यूपी में, है देश दीवाने यूपी में, अरे हम हिंदू जिस दिन ठानेंगे है अपनी करके मानेंगे, हम हिंदू जिस दिन ठानेंगे हम अपनी करके मानेंगे, श्री राम नगरिया न्यारी है, अब मथुरा काशी की बारी है, प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। अब देखिए, इन दोनों जो लोगों का पहले आप चेहरा पहचानने की कोशिश करिए, आपको दोनों जन का चेहरा एक जैसा ही दिखेगा, क्योंकि ये जुड़वा ब्रदर्स हैं और इसी नाम से ये अनपरा में फेमस भी हैं। बहुत बड़ी ख्याति आप लोगों को प्राप्त है, कुछ अपना परिचय अपने जबान से हमारे दर्शकों को दीजिए। हम दोनों जुड़वा भाई अनपरा की पावन धरती से, आज सभी श्रोताओं का हम दोनों जुड़वा भाइयों का प्रणाम है और दो लाइन सभी के लिए। नाम अपना बताइए। मेरा नाम अनुज कुमार पांडे, आशीष कुमार पांडे, अनपरा सोनभद्र से, हम लोग निवासी अनपरा सोनभद्र के रहने वाले हैं, भजन सम्राट से अनपरा जनपद में जाने जाते नाम से। बहुत ही प्यारा गाय अभी हम सभी के बीच में। बिल्कुल, तो कुछ आप दोनों जन की आवाज में हो जाए एक और। क्या बात है, असिया राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने, सिया राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने, 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 सिया राम जी का, सिया राम जी का, सिया राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने, सिया राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने।